दोस्तों ये रही मेरी फोटो जिसे मेरे एक दोस्त ने खींची थी, और ये रही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की वो फोटो जिसमें हम सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरी फोटो खींचने के लिए मेरे दोस्त को कम से कम मुझसे इतना दूर जाना पड़ता है कि वो मुझे पूरी तरह से कैमरे में कैप्चर कर सके। इन शॉर्ट इतनी डिस्टेंस जहां से मैं एक बार में पूरा ऑब्जर्व किया जा सकूं तो जरूरी थी ही थी इस तस्वीर को खींचने के लिए। बट वेट ए सेकेंड, 1977 में लॉन्च होने वाला वॉयेजर 1 अर्थ से सबसे दूर मौजूद स्पेसक्राफ्ट है, जो आज भी करीब 24 अरब किलोमीटर दूर की इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, जो वैसे तो इंसानियत की नजर से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर लॉजिकली अगर हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे से इतना दूर है ही नहीं कि उसकी क्लियर इमेज खींच सके, तो ये फोटो ली किसने? क्यों, दिमाग हिल गया ना? अब इस हिले हुए दिमाग को सही जगह ले आओ, क्योंकि हेलो गाइस, मैं कौशिक, और चलिए जानते हैं कि आखिर मिल्की वे की इमेज हमने कैसे खींची है। अब दोस्तों वैसे तो इतिहास में इसके बहुत से अक्यूरेंस है, लेकिन मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के हिसाब से इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1610 में, जब गैलीलियो गैलीलेई अपनी टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में मौजूद तारों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी खोज से इस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया था कि हम सब एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर धरती जैसे करोड़ों प्लैनेट्स और असंख्य तारे मौजूद हो सकते हैं। और उनकी इस आइडियोलॉजी के पब्लिकली पॉपुलर होने के बाद कॉस्मोलॉजी में गैलेक्सी शब्द जोरों शोरों से फैलने लगा, और मेरे दोस्त यहीं से कहीं ना कहीं हमारी आकाश गंगा के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली मिल्की वे का नाम देकर रेफर किया जाने लगा। अब नया कॉन्सेप्ट होने की वजह से सब इससे काफी ज्यादा फैसिनेट होने लगे, लेकिन जिनके अंदर जिज्ञासा का बीज कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा था, उन्होंने आगे आकर सवाल किया कि सूर्य गोल है, धरती भी गोल है, और ऐसे ही बाकी सारी चीजों का शेप तो हमें पता है, लेकिन इन सब ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने वाली मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखती है? 17वीं शताब्दी में पूछे जाने वाले इस सवाल ने सदियों के लिए बवाल खड़ा कर दिया। एंड गाइस, दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन। साल 1640 से 1780 तक सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से मिल्की वे को पोर्ट्रे किया, लेकिन 1785 में मानव इतिहास का सबसे पहला सिग्निफिकेंट मिल्की वे स्ट्रक्चर सर विलियम हर्शल ने ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेवेंस नाम के अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब 15 नवंबर 1738 में जन्मे फ्रेडरिक विलियम हर्शल एक ऐसे जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में 1757 में यूरेनस की खोज कर ली थी, और जिस वजह से उनके इस मैप को बड़ी रेस्पेक्ट के साथ हिस्ट्री में जगह दी जाती है, जिसे उन्होंने स्टार ग्वेजिंग नाम की टेक्निक से क्रिएट किया था। नाउ बेसिकली उन्होंने करीब 4 से 5 सालों तक दुनिया भर के 600 अलग अलग जगहों में जाकर टेलीस्कोप्स के थ्रू स्टार्स को ऑब्जर्व किया था, और उनकी ल्यूमिनोसिटी के आधार पर यह जज करते हुए कि वो स्टार हमसे कितना दूर और कितना पास है, उन्होंने एक कागज में डॉट डॉट करके सभी तारों को उतार दिया, और रिजल्ट आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ, इस वक्त आप इस फिगर में जितने भी डॉट्स देख रहे हैं वो एक्चुअली स्टार्स हैं जिन्हें विलियम ने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मिल्की वे के स्ट्रक्चर में जगह दी थी। अब अगर आप इसमें हमारे सन को ढूंढ रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू, जरा इस फिगर के सेंटर पर फोकस कीजिए। सारे ग्रे डॉट्स के बीच में जो आपको एक थोड़ा डार्क ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, विलियम के हिसाब से वो मिल्की वे में हमारी लोकेशन थी। अब देखने में आपको भले ही ये पेचीदा लग रहा होगा, पर रिसोर्सेज के बिना हमारी एस्ट्रोनॉमी का यही हाल था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वंडरफुल साइट और एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। ये मेरा फेवरेट साइट है जहां मैं कूल गेम्स खेलता हूं, लाइक क्रिकेट एक्स। ये बहुत ही सिंपल गेम है जहां से मैं बहुत सारे पैसे बनाता हूं। इनके एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे पहले इनके प्रमोशंस और बोनसेस के बारे में पता चलता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब फिर से बता के बोर नहीं करूंगा। अब जानते हैं एक बहुत ही कूल गेम क्रिकेट एक्स के बारे में। ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इस गेम में आपको बॉल को हिट करना होता है, जितना हाई बॉल जाएगा उतने ज्यादा पैसे बनेंगे, लेकिन हाँ बी केयरफुल, आपको समय पे ही कैश आउट पे क्लिक करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो आप हार भी सकते हो। तो चलो अब मैं 1000 रुपए लगाता हूँ। यस, कमोन कमोन कमोन, यस यस, एंड आई वॉन 1680 रुपए। अब चलो 1500 रुपए लगाते हैं। वेल, बॉल उछला, ओ नो, चलो फिर से ट्राई करते हैं 3000 रुपए के साथ। एंड बॉल उछला, यस, चलो 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 चलो, वाह 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 वाह, अब इसे यहीं रोक देते हैं और मैं जीत गया। अब दोस्तों मैं अपने 7910 रुपए को बैंक में विड्रॉल करता हूँ, देखो, और
भाई ये आ भी गया देखो। तो अगर आप भी एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो तो क्रिकेटएक्स इज योर चॉइस है। इसमें साइन अप करो, छोटे डिपॉजिट करो और 700% का बोनस पाओ अप टू 9,000 रुपए। ये एक स्मॉल सीक्रेट प्रमोशन है जिसे आप केवल मेरे लिंक से ही पा सकते हो। फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करीब एक सदी तक इस मामले में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेकिन साल 1922 में इस रिसर्च के अंदर अगला नाम आया डच एस्ट्रोनॉमर जेकोबस कैप्टीन का, जिन्होंने विलियम के स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हुए हमारी गैलेक्सी के एक नए रूप को दुनिया के सामने रखा। अब जेकब ने दुनिया भर में मौजूद अपने एस्ट्रोनॉमर्स फ्रेंड से उनके एरियाज में खींची गई स्पेस फोटोग्राफ्स को मंगवाया। साल 1922 में पब्लिश किए गए अपने पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट एट ए थियरी ऑफ द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द सिडेरियल सिस्टम में उन्होंने अपनी स्टडी में इस्तेमाल की गई तस्वीरों के कैप्चर्ड रीजन्स को पता नहीं किस आधार पे सिलेक्टेड एरियाज नाम देकर उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट किया और अपने फोटोग्राफिक स्टार काउंट सर्वे के रिजल्ट में उन्होंने मिल्की वे के इस मैप को पब्लिश किया। अब उनकी रिसर्च में दो चीजें बहुत ही सिग्निफिकेंट पाई गई। अब पहली तो ये कि उनका ग्राफ ये क्लियरली स्टेट कर रहा था कि मिल्की वे डिस्क शेप में मौजूद है, और दूसरी सबसे क्रूशियल बात उनके फिगर में ये थी कि उन्होंने वैल्यू के आधार पर पहली बार मिल्की वे का साइज प्रिडिक्ट किया, विच वॉज इन एग्जिस्टेंस विद द विड्थ ऑफ अराउंड 8,500 पार्सेक्स एज रेडियस। हालांकि विलियम और जेकब दोनों के फिंगर्स इस बात से एग्री कर रहे थे कि हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के बहुत ज्यादा क्लोज मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर से मिल्की वे की एक्चुअल रेडियस करीब 15,000 पार्सेक्स है, जो कि जेकब के आंकड़े से करीब 1.76 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में क्या हमें जेकब को गलत या बेवकूफ मानना चाहिए? वेल, टेक्निकली जेकब जीनियस थे, लेकिन उन्होंने अपनी खोज के लिए समय गलत चुना, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस के गलत होने का कारण यह था हमारी मिल्की वे में मौजूद डार्क नेब्यूला। नाउ दोस्तों, डार्क नेब्यूला बेसिकली इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद इतनी हाई डेंसिटी वाले डस्ट क्लाउड्स होते हैं कि उनके बीच से स्टार्स की लाइट पास तक नहीं हो पाती। अब उदाहरण के लिए अगर आप बार्नार्ड 68 की इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि एक ऐसा रीजन जहां पर स्टार्स की भरमार है, वहां पर ये डार्क नेब्यूला किस तरह से अपने पीछे मौजूद सारे स्टार्स की एग्जिस्टेंस को ऐसे छुपा लेता है जैसे वो कोई एम्प्टी स्पेस वॉइड हो। और देखो, टेक्नोलॉजी के अभाव में विलियम और जेकब के साथ भी यही हुआ। जब भी उनके ऑब्जर्वेशंस में उन्होंने किसी डार्क नेब्यूला को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उस जगह के बाद अंतरिक्ष में काफी लंबी दूरी तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, और इसी डिटेल की वजह से उन लोगों ने ना सिर्फ स्ट्रक्चर के कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत गलती कर दी बल्कि मिल्की वे के साइज को भी गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया। नाउ अगेन, दिस वॉज ए ग्रेट एक्सप्लेनेशन, लेकिन साल 1917 में जब अमेरिकन साइंटिस्ट हार्लो शेपली ने मिल्की वे के फिगर के लिए एक अलग अप्रोच रखी, तब जाकर इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। शेपली ने कहा कि अगर हम लोग हर एक स्टार को गिनने बैठेंगे तो ना सिर्फ इससे हाई चांसेस है कि हमारे डेटा गलत होगा, बल्कि चीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से रिजल्टेड फिगर बहुत ज्यादा टाइट और कॉम्प्लेक्स लगने लगता है और कुछ जरूरी डिटेल्स छुप जाती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ग्लोबुलर क्लस्टर्स को गिनकर उन्हें कागज पर उतारे तो हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब देखो, जब उनके इसी आइडिया को कई दशकों बाद मॉडर्न साइंस में मौजूद डेटा के साथ 2D ग्राफ पर प्लॉट किया गया तो ना सिर्फ उस ग्राफ से एक्चुअल गैलेक्टिक डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मैच हो रही थी, बल्कि एक चीज ये भी देखने को मिल रही थी कि मिल्की वे का शेप स्फेरिकल है। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि विलियम और जेकब के ऑब्जर्वेशंस के अनुसार तो मिल्की वे डिस्क शेप की थी, फिर अचानक से स्फीयर वाला एंगल कहां से आ गया? वेल, सवाल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुए, बल्कि ग्लोबुलर क्लस्टर्स के अलावा जब ओपन क्लस्टर्स और बाकी काफी सारी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को 2D ग्राफ में प्लॉट किया गया तो वो सब भी मिल्की वे को डिस्क शेप का ही प्रूव कर रहे थे, विच मेक्स देम थिंक कि गलती आखिर हो का रही है, क्योंकि डेटा और फिगर्स दोनों ही 110% एक्यूरेट थे। अब देखो, कुछ दिनों तक तो कंपैरिजन चलता रहा और फिर सामने आई एक ऐसी कड़ी जिसे देखकर हर कोई ये सोचने लगा कि इतनी बेसिक गलती आखिर हो कैसे सकती है। अब दोस्तों, ये है ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर्स की टॉप डाउन प्लॉटिंग से जनरेटेड मॉडल, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि हमारी गैलेक्सी स्फेरिकल है। लेकिन अगर आप इस इमेज को हल्का सा टिल्ट करके इसके एज व्यू को देखेंगे तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, जिस एंगल से हमारी मिल्की वे डिस्क शेप की लग रही है। यानी कि देखो, यहाँ पर प्लॉटिंग भी सही थी, डेटा भी सही था, बस फर्क था उस मॉडल को देखने की अप्रोच का, और जब वो मैच कर गया तो हमें मिली अपनी मिल्की वे की एक अनफिल्टर्ड इमेज।
ग्लोबुलर क्लस्टर्स का इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने हमारे मिल्की वे की रेडियस पता करने के लिए किया और ओपन क्लस्टर्स का इस्तेमाल इसकी थिकनेस का पता करने के लिए किया। और बस फिर आगे का काम संभाला कुछ होनहार आर्टिस्ट ने। एंड्रोमेडा जैसी दर्जनों गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। गैलेक्सीज में होने वाली हलचल, उनके अंदर मौजूद स्टार्स को और उनकी लोकेशंस को मिल्की वे में होने वाली हलचल और स्टार्स की लोकेशन के साथ कंपेयर किया गया। अब छोटे छोटे पार्ट्स निकाले गए, नेब्यूलास का रेड शिफ्ट कैलकुलेट करके उनका आउटलुक डिजाइन किया गया और फिर जाकर डिस्क, बल्ज और हालो जैसे काइंड ऑफ तीन लेयर्स में मिल्की वे के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एज ए रिजल्ट ये इमेज प्रोड्यूस की गई, जिसे हमारी आकाशगंगा का प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर माना जाता है। नाउ प्रिडिक्टेड वर्ड एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी हम लोगों ने जिस डिजाइन को बनाया है शायद वो भी गलत हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि हम लोग इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके कई बार डार्क नेबुला और बाकी सारे ऑब्स्टेकल्स के बियॉन्ड जाकर चीजों को ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। हालांकि अब देखो कि इसमें आपकी क्या राय है, क्या हमारे द्वारा डिजाइन किया गया ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सही है या फिर कुछ गलत है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आखिर हमने कैसे पता लगाया कि आखिर मिल्की वे ऐसा ही दिखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखना, डेफिनेटली आप पसंद आएंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।